आप नहीं बैठाओगे तो आधे घंटे के बाद वीडियो के बेस पे आप मुझे अंदर बैठा लोगे, मेरे पे एफआईआर हो जाएगी। उम्र क्या क्या आ जाएंगे सर, उनके लिए कानून क्यों नहीं है? आदर्श नाय कल निकलने वाली इमेज क्या आ गई पुलिस की, यानी कि पूरी पामाल हो गई। अगर सर उसपे अगर आजकल में एक दो दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग हमारे संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूरे नागपुर शहर में रोड पर आ जाएंगे। इसके जिम्मेदार महाराष्ट्र प्रशासन रहेगी, महाराष्ट्र पुलिस रहेगी। अभी हम हमारे वीडियो के जरिए सारी जरिए हम आप लोगों को बोल देते हैं कि जब उसके ऊपर 100+ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ना अटैक हुआ ना कार्रवाई हुई। नीतीश राणे हेड स्पीच बयान कर रहा है, मुसलमानों को खुला बोल रहा है अपने बयान में कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हो सकती, जब कार्रवाई नहीं कर सकती महाराष्ट्र पुलिस, तो मजबूरन एक काम करो, हम भी कार्रवाई कर लो, हम शहर के अंदर आके बैठ जाएंगे। हम एक मिनट आपसे परिचय होते रहता, हम आप भी हमको जानते हैं हम लोग कैसे लोग हैं क्या है, लेकिन जहाँ मजबूरी आ जाएंगी, जहाँ अगर पांडेकर साहब बोलो और भी साहब वो उनके भी हाथ कहीं ना कहीं कटे हुए होंगे, जो भी मामले होंगे, जब ये नहीं सुन पाएंगे हमारी बात, तो मजबूरन पूरे शहर में हम रोड पर आ जाएंगे। वो गलती है कानून के नजरिए से, वो गलती है सर, वो गलत है, लेकिन आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जब आपको गलत समझ में आएगा रिसेप्शन में वो घटना हुई है वहाँ पे वो एफआईआर रजिस्टर है, और उसके बाद में भी कई जगह पे एफआईआर रजिस्टर है पूरी कॉपी। भाई जहाँ भी जो जुरिडिक्शन में हुआ वहाँ भी रजिस्टर है, और उसके अलावा भी और कई जगह पे रजिस्टर है, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई वो जुरिडिक्शन में करेंगे, तो ये जो आपकी भावना है सही में आपके भावना को ठेस पहुँचाओ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये आपकी जो भावना है ये हम उचित जगह पे पहुँचाने का काम हम करेंगे, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। जी सर, सर एक छोटी सी बात, आपको लग रहा है ना गलत किया हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा गलत की? जो गलत है वो गलत नहीं है, आप बताइए। पूछ रहा तो कोई भी करे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, सीपी साहब को भी मालूम है गलत किया, जो हमारे देश भी के भी सीएम को मालूम है गलत किया, हमारे हमारे राज्य के सीएम साहब ने एक के या पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, जिसने भी जो भी किया अगर गलत है तो गंगागिरी सही है, तो गंगागिरी जो नाम याद अपने आप को संत बोलता है, जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जो सती का रिवाज था, जब जो गलत है उसको मनुष्य कहा जाता था, हमारे पैगंबर ने अगर बेटी हुई सर बाकायदा हम करेंगे, नॉलेज भी दे देते ना सही, जो गलत तरीके से वो बयान करते ना, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इस दुनिया में तशरीफ लाए, उसके पहले अगर आदमी मर जाता था तो उसको सती करवा देते थे औरत को, अगर जिस घर में बेटी होती थी तो उसको मनुष्य बोलते थे औरत को, जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उनने बताया अगर किसी बाप को बेटी होती है तो वो उसके लिए रहमत है, उसका पालन पोषण का जो पूरा जिम्मेदारी पालन पोषण की जिम्मेदारी खुदा खुद ले लेता अपने जिम्मे है ना, जब वो शादी करके अपने शौहर के पास जाती है उसका आधा ईमान मुकम्मल कर देती है, जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है, ये मकाम ये स्टेटस औरत का हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और अब ऐसा देखा जाए तो भाई कई धर्मों में कितने क्या मामलात होंगे हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, हमारे इस्लाम कहते हैं कि किसी के धर्म को बुरा मत बोलो। वो कोयम के शेर के ऊपर सलमान अजरी साहब को आज 6-8 महीने से ये जो खुलेआम एक मुसलमान धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहा, मोहम्मद पैगंबर पे गलत टिप्पणी कर रहा, वो खुलेआम घूम रहा है, और सीएम ये बोलता है कि इनको कोई हाथ लगाएगा पॉलिटिकल, ये सारी चीजें क्या है? हम मजबूर हो जाएंगे सर, हम फिर बोल रहे हैं कि हम शहर में रोडों पे आ जाएंगे संवैधानिक दायरे में, है ना, साहब को बता दो आप सीपी साहब को, हम मजबूर हो जाएंगे अगर नहीं हुई, हम ये यहाँ पर बोलेंगे एक काम करो, पूरा शहर आएगा सर, हम जाने को तैयार है, हम शहर आएगा सर, फिर संवैधानिक दायरे में और पीछे पीछे थोड़ा हो जाओ, आ जाओ पीछे पीछे।